और यहां। अब मजा आएगा। हाय दोस्तों। रास्ता तैयार है, अब शुरू करते हैं। ओ ये क्या, अगर कोन्स को खुद ही हिलना है तो मेरी दूरी नापने का फायदा ही क्या। तुम सब कर क्या रहे हो? मालिन, चलने वाले कोन्स देखने की ड्यूटी किसकी थी? अब मैं तो यूं ही आई और तुम लोगों ने। ऑफिशियली तुम बिल्कुल भी नहीं जानती कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। हाँ, और अनऑफिशियली भी। मैं बोर हो रहा हूँ, जिंदगी में मजा ही नहीं है। प्लीज मुझसे ये मत करवाओ। मुझे एंटरटेन करने जैसा यहाँ कुछ भी नहीं है क्या? आउच! अच्छा करतब था, मैं तुम्हें 6 मार्क्स देता हूँ। ये मेरे कानों में कैसी आवाज़ आ रही है? टेस्ट कैसा रहा कोवाल्स्की? बहुत अच्छा स्किपर, पिछली बार से भी 4 सेकंड पहले खत्म किया। यूहू! मैं आ गया, मैं राजा जूलियन, तुम्हारा प्यारा जिगरी दोस्त और सबसे अच्छा और दिलदार पड़ोसी। तैयार हो जाओ साथियों, इस पकाऊ के पकाने से पहले हमें निकलना होगा। तुम्हारी इस प्यारी सी कार को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं कुछ देर इसमें? ये गाड़ी सिर्फ ऑफिशियल काम के लिए है। प्लीज प्लीज ओ प्लीज मुझे इसे चलाने दो प्लीज। कोई दूसरी गाड़ी ढूंढ लो मिस्टर। ओह हाँ, यही ठीक होगा, मेरी अपनी एक शानदार किंग जूलियन कार। ओह अच्छा हुआ ये बात मुझे सूझी। एक नया जू रिकॉर्ड। हेलो मेरे साथी कार के दीवानो, अब मेरे पास भी अपनी खुद की गाड़ी है, ये देखो। बोरिस, मैंने एक्सेलेटर दबाया पर गाड़ी आगे बढ़ती नहीं दिख रही है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ राजा जी। रुको रुको बोरिस, तुम तो निकम्मे हो। जाहिर है मुझे ऐसी कोई गाड़ी ढूंढनी होगी जो मेरे काबिल हो, पर मुझे ऐसी गाड़ी मिलेगी कहाँ? बोरिस देखो। क्या है? मुझे तो बस एलिस का जू कार्ड दिख रहा है। कितनी अच्छी गाड़ी है, मैंने आज तक इतनी अच्छी गाड़ी कभी नहीं देखी है। वैसे भी मेरी इमेज के साथ ये जाएगी, ये कुछ अलग ही है क्या? मुझे नहीं पता, आज रात वो शानदार गाड़ी मेरी होगी। एक बार सोचिए, आप एक जू कार्ड चुराने के लिए बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। आज रात मॉरिस, आज रात मेरी होगी, आज रात आपकी होगी। मुझे तुम्हारी बातें अच्छी लगती है मेरे गोलू मोलू। जरा इसकी चमक तो देखो स्किपर। ये कार इतनी साफ है कि इस पर खाना रख कर खा सकते हैं। मैंने अब तक खाओ नहीं कहा। ओह हेलो पेंगुइन ड्राइवर्स, तो बोलो मेरी नई किंग जूलियन कार कैसी लगी? संभल कर चलाओ यार, हमें कुछ हो जाता तो। तुम्हें बस जलन हो रही है क्योंकि मेरे पास ये बड़ी शानदार सवारी है, जबकि तुम्हारे पास एक छोटी सी बच्चों वाली कार है। हमारी कार बच्चों वाली नहीं है, असल में ये तो बस बहुत क्यूट है। बच्चों वाली? ये तुम्हारी लॉरी जैसी गाड़ी को धूल चटा सकती है। बोलने के बजाय करके दिखाओ तो जानू। क्या तुम हमें रेस के लिए चैलेंज कर रहे हो? सच में? हाँ, तुम तो मेरी बात मेरे बिना कहे ही सही समझ गए। जीतने वाला हारने वाले की कार रख लेगा। पर तुम दो कार्स का क्या करोगे? एक घूमने के लिए, एक बाजार से सामान लाने के लिए। तुम हारने के लिए तैयार रहो जूलियन, आज रात हम 12 बजे रेस करेंगे। नहीं, आधी रात को रखो। रुको रुको, मसाज का अपॉइंटमेंट कब का है? आधी रात का। ओ हाँ, क्या हम 12:15 बजे कर दे? 12:15 ठीक रहेगा ना? ठीक है 12:15 बजे। तो मिलते हैं, ना समझो। मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक स्किपर, हमारी कार का जूलियन की कार को हराने का चांस 0% है। कम से कम इसके मौजूदा हाल में तो यही है।
तुमने तो कमाल कर दिया साथियों। क्या कार है? रेसिंग कार इसे कहते हैं। अब पता चलेगा उस बेवकूफ को। साथियों अब देखते हैं हमें कौन हरा पाता है। रेस के लिए यह रात अच्छी है। सोच रहा हूँ आज मैं रेस कोर्स पर कचरा नहीं डालूं। आओ ठीक है फिल, हम रेस भी देखेंगे और कचरा भी डालेंगे, जैसे हमने बाइकला जू में किया था। स्टीयरिंग व्हील, आरामदायक सीट, वो भी है। ए लीमा, हमारी जीत की दावत खाने के लिए तैयार हो? ओह हाँ बिल्कुल, मेरी पसंद की चीजें होंगी तो जरूर। मुझे चाहिए मीठे मीठे फल और साथ ही देना। ओ तुम मेरा ध्यान भटकाने में लगे हो ना, अब दिखाता हूँ जीत की दावत कौन देता है। प्यारे मैमल्स और सारे पंछियों, स्टार्ट करो अपनी अपनी इंजन्स। रेडी सेट गो। मैं तो बिजली हूँ, बिजली। बोरिस, उनका कचुंबर बना या नहीं? नहीं, वो अभी पीछे ही है। तो ठीक है, उन्हें चपटा कर दो। उससे बचो। वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं राजा जी। अब वक्त है उन्हें च्युइंग गम से गम देने का। अभी करते हैं। मेरे बालों पर नहीं। च्युइंग गम ने उन्हें रोक दिया ना, बस हाँ कहना। ओके यस। रुको मॉरिस, क्या तुम मुझे यू ही वो कह रहे हो जो मैं सुनना चाहता हूँ? रुको नहीं, अब तुम्हारी खैर नहीं लीवा। तुम पहले अपनी खैरियत बताओ। वाह, इसे कहते हैं शान की सवारी। अब तैयार हो जाओ साथियों। राजा जी वो लौट आए, देखिए वो आगे हैं, हमारे आगे। मॉरिस, अब क्या तुम मुझे यूं ही वो कह रहे हो जो मैं नहीं सुनना चाहता? देख लीजिए। नहीं, मैं हारने वाले में से नहीं हूँ। मॉरिस जल्दी से उन पर कुछ फेंक दो। और क्या फेंकूं, जो लाए थे सब फेंक चुका हूँ। अब हर चीज मैं ही बताऊं। फिनिश लाइन आ गई, हमारी जीत अब करीब है साथियों। बेवकूफ कह के मजा आ रहा है। गोल्स की प्रोग्रेस रिपोर्ट। शायद हम हारने वाले हैं। गलत, प्राइवेट तुम स्टीयरिंग संभालो। ओके। रिको राजमा बॉम्ब। मैं तो जीत का स्वाद चख रहा हूँ। ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। ओह नो, अब तो मुझे हार की बदबू आ रही है और बहुत ही गंदी है। जीत को चूमने के लिए तैयार रहो साथियों। लो वो आ गए। रास्ते में रुकावट। हाँ, मुझे हराने वाला आज तक पैदा ही नहीं हुआ। हम हार गए साथियों। इस हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। सुबह होते ही मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। तुम बेवकूफ, तुम्हारी वजह से हम हारे। इस तरह केले के छिलकों को कहीं भी फेंका नहीं करते, समझे? ये सही कह रहा है फिल, मैंने कहा था ना अंजाम अच्छा नहीं होता। बेवकूफ पेंगुइन्स, तुम कब सीखोगे कि राजा जूलियन को कोई रोक नहीं सकता। बस एक दीवार को छोड़कर। चलो मुझसे बात करो जूलियन, कितनी उंगलियां हैं? कहीं तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हो? ये तुमने क्या कर दिया? सुनिए राजा जी, ये आपने किया है। मॉरिस, जो मुझे नहीं सुनना वो बोलना बंद करो। ये बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। मैं आंसू जरूर बहाता अगर मेरे पास तुम्हारी कार ना होती तो। इसमें इतना उछल कूद करने की क्या जरूरत है? मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास है प्राइवेट, पर होनी को भला कौन टाल सकता है? होनी को टाला जा सकता है स्किपर। सुनो, इसमें कोई हीटर लगा हुआ है क्या? मैं सर्दियों में ठंड के मारे गाड़ी कैसे चलाऊंगा? देखो, मैं ये बटन दबा कर देखता हूँ। कोवाल्स्की, लीमर उड़ाओ सीट।
मैं जानता था कि ये काम आएगी। शाबाश।